जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, कई ऐसे पुलिस अधिकारी होते हैं जो अपने पुलिसिया कार्यकाल के दौरान कुछ इस तरह के काम कर जाते हैं कि वे लोगों के बीच एक हीरो जैसी इमेज हासिल कर लेते हैं। कई बड़े अपराधियों को या तो खत्म कर देते हैं या सलाखों के पीछे भेज देते हैं। कई पेचीदा मामलों की गुत्थियां सुलझाते हैं। कई लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मसलों का बहादुरी से सामना करते हैं। तो ऐसे में उनकी जो इमेज बनती है उसको राजनीतिक पार्टियां भी भुनाने की कोशिश करती हैं, और ऐसे पुलिस अधिकारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक पार्टियों की ओर से ऑफर दिया जाता है चुनाव लड़ने का। राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि इन अधिकारियों ने अपने काम की वजह से लोगों के मन में जो जगह बनाई है उससे उन्हें राजनीतिक फायदा भी पहुंच सकता है, और अगर उस अधिकारी को उम्मीदवार बनाया गया तो वो सीट उस पार्टी को हासिल हो सकती है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कुछ एक नाम मेरे जहन में आते हैं, जैसे कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उड़ीसा से चुनाव लड़ा। फिर एक आईपीएस अधिकारी थे टीके चौधरी, उन्होंने भी दक्षिण मध्य सीट से चुनाव लड़ा था। और भी कुछ एक अधिकारियों ने विधानसभा के या फिर लोकसभा के चुनाव लड़े हैं देश के अलग अलग इलाकों में। इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा है डॉक्टर सत्यपाल सिंह का। डॉक्टर सत्यपाल सिंह एक आईपीएस अधिकारी 1980 के बैच के। 2014 में जब वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, ये बात तब की है, डॉक्टर सत्यपाल सिंह एक चर्चित नाम रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र पुलिस के कई अहम पदों पर उन्होंने काम किया। अपने करियर की शुरुआत में वो गढ़चिरौली के एसपी थे, आगे चलकर वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के चीफ बने, जॉइंट कमिश्नर क्राइम, फिर कोंकण रेंज के आईजी बने। डॉक्टर सत्यपाल सिंह की इमेज एक धार्मिक व्यक्ति की भी थी। वे आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे और उनके विचार आरएसएस से भी मेल खाते थे। अक्सर बतौर पुलिस कमिश्नर जब उन्हें किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बुलाया जाता था और जब वो सार्वजनिक मंच से भाषण देते थे तो जो बातें कहते थे उससे सीधे पता चलता था कि उनका राजनीतिक झुकाव किस तरफ है। साफ था कि उनके विचार बीजेपी के विचारों से मेल खाते थे। इस दौरान 2014 में जब लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई तो बीजेपी की ओर से उनको ऑफर दिया गया कि आप हमारे टिकट पर चुनाव लड़िए। और ये चुनाव मुंबई से नहीं लड़ना था, ये चुनाव लड़ना था बागपत से। बागपत से ही डॉक्टर सत्यपाल सिंह आते हैं। उसी संसदीय क्षेत्र में एक गांव है जहां की उनकी पैदाइश है, वहीं पर उनका बचपन बीता। और उनको कहा गया कि आप अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश से जो है चुनाव लड़िए। अब डॉक्टर सत्यपाल सिंह एक बड़े ही पथोपेश में थे कि क्या किया जाए, क्योंकि उनकी 2 साल की सर्विस बची हुई थी और अगर उनका प्रमोशन होता तो अगले प्रमोशन में हो सकता था महाराष्ट्र के डीजीपी भी होते, महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख बनते। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पुलिस सेवा छोड़नी भी जरूरी थी। अमित शाह ने खुद उन्हें फोन किया था, अमित शाह के साथ उनकी बातचीत हुई थी और एक तरह का दबाव भी था डॉक्टर सत्यपाल सिंह के ऊपर कि वे बीजेपी के इस ऑफर को स्वीकार कर लें। आखिर काफी सोच विचार के बाद, अपने परिवार से राय लेने के बाद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने तय किया कि वो चुनाव लड़ेंगे और फिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कहानी में एक पेंच आ गया। कहानी में पेंच यह आया कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह को बीजेपी ने ऑफर दिया है और वो बागपत से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस बात की खबर अजीत सिंह तक पहुंच गई। अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता, जो कि 1999 से लगातार सांसद चुने जा रहे थे उसी बागपत सीट से। तो अजीत सिंह को लगा कि अगर डॉक्टर सत्यपाल सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं तो फिर उनको खतरा हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यही डॉक्टर सत्यपाल सिंह किसी वक्त में अजीत सिंह के सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। अब उन्हीं का मुकाबला होने वाला था अजीत सिंह के साथ में। तो अजीत सिंह ने किया ये कि कांग्रेस के आला नेतृत्व को यह कहा कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह का इस्तीफा ही मंजूर मत करो,
ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब डॉक्टर सत्यपाल सिंह पुलिस सेवा छोड़ ही नहीं पाएंगे तो बीजेपी से कैसे जुड़ेंगे और फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे। और यह संदेश कांग्रेस आलाकमान की ओर से महाराष्ट्र सरकार को दे दिया गया, पृथ्वीराज चौहान की सरकार को। तो यहां पर सरकार ने वही किया, इस्तीफा मंजूर नहीं किया डॉक्टर सत्यपाल सिंह का। अब इस बीच में हुआ ये कि जब मेरे पास ये खबर आई कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह बीजेपी से जुड़ना चाह रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है बागपत से, तो मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं। सुबह का वक्त था, तब वो घर पर थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूं और ऑफिस से फिर मैं माटुंगा में षणमुखानंद हॉल है वहां पर एक कार्यक्रम को मुझे अटेंड करना है, तो तुम ऐसा करो कि तुम पहले मेरे ऑफिस आ जाओ, फिर ऑफिस में मेरी कार में ही बैठ जाना मेरे साथ में, और रास्ते में मैं तुमको इंटरव्यू दे दूंगा, षणमुखानंद पे तुम उतर जाना और मैं कार्यक्रम में चले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचा, वहां से उनके साथ में निकला, उनके बगल में मैं बैठा, वो यूनिफॉर्म में थे, पुलिस कमिश्नर की वर्दी में थे, आगे ड्राइवर की बगल वाली सीट पर मेरा कैमरामैन बैठा और फिर मैंने इंटरव्यू करना शुरू किया। इंटरव्यू के दौरान मैंने एक सवाल पूछा उनसे, मैंने उनसे पूछा नरेंद्र मोदी आपको कैसे लगते हैं, तो उनके मुंह से अपने आप ही ये जवाब आ गया, नरेंद्र मोदी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गौर कीजिए, वो यूनिफॉर्म में थे, उन्होंने आगे कहा कि आज देश को नरेंद्र मोदी के नेता के जैसी जरूरत है, देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी का होना जरूरी है, उनका प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, और कई बातें उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ में कही। हम षणमुखानंद पहुंच गए, मैं वहां से उतरा और मैंने इस इंटरव्यू को अपलिंक कर दिया। अपलिंक करने के बाद में ये खबर जोर शोर से चली कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है, और साथ में वो तस्वीरें भी चली, वो साउंड बाइट भी चली, यूनिफॉर्म पहने हुए डॉक्टर सत्यपाल सिंह ये बात कह रहे थे। इंटरव्यू चलने के बाद बड़ा हंगामा हो गया, कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि पुलिस कमिश्नर की हैसियत वाला शख्स, उस पद पर बैठा शख्स, किसी राजनीतिक पार्टी के नेता की इस तरह से तारीफ कैसे कर सकता है, वो भी यूनिफॉर्म में। कांग्रेस ही तो खास है, आग बबूला हो गए। पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सत्यपाल सिंह को फोन किया और काफी गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुनाई। फिर मुझे डॉक्टर सत्यपाल सिंह का फोन आया, उन्होंने कहा जितेंद्र मैंने जो तुमको इंटरव्यू दिया था यार, उसको रुका दो, उसको मत चलाओ, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो गई है, सीएम बहुत गुस्से में आ गए हैं, उन्होंने भी फोन किया मुझे और काफी नाराज हो गए हैं। मैंने कहा ठीक है, जब तक डॉक्टर सत्यपाल सिंह का फोन आया था तब तक मैं 2-3 बार वो इंटरव्यू वैसे ही चल चुका था, तो मैंने दिल्ली में फोन करके अपने दफ्तर में कहा कि उस इंटरव्यू को रुका दो, लेकिन नेचुरल कोर्स में ही वो इंटरव्यू आगे नहीं चलने वाला था क्योंकि देश में और भी बड़ी खबरें आ गई थी, चुनावी मौसम था तो चुनाव से जुड़ी और भी कई सारी खबरें थी, तो इसलिए वैसे भी इंटरव्यू चलने वाला नहीं था, फिर वो इंटरव्यू नहीं चला। लेकिन दूसरे दिन खबर आती है कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह का इस्तीफा मंजूर हो गया और फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सांसद चुन लिए गए बागपत से, 2 बार सांसद चुने गए, 2014 में फिर 2019 में, और उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का भी मौका मिला, मानव संसाधन मंत्रालय उन्हें दिया गया, हालांकि इस बार उनका पत्ता कट गया है, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन उस घटना के कुछ दिनों बाद जब वो मुंबई आए सांसद बनने के बाद, तो दिवाली के मौके पर मेरी उनसे मुलाकात हुई, तब उन्होंने हंसते हुए मुझे कहा कि जितेंद्र तुम्हारे उस इंटरव्यू की वजह से ही मैं चुनाव लड़ पाया, अगर तुमने वो इंटरव्यू ना किया होता और मैं उसमें मोदी के बारे में जो कुछ मैंने कहा था ना बोलता तो शायद मेरा इस्तीफा मंजूर ना होता। लेकिन उस इंटरव्यू की वजह से सरकार में बैठे लोग इतने भड़क गए, मुख्यमंत्री इतने भड़क गए कि मेरा इस्तीफा तुरंत मंजूर हो गया और मैं मुक्त हो गया। तो यह कहानी थी कि कैसे
वर्दी पहनकर जब एक पुलिस कमिश्नर के पद पर शख्स बैठे शख्स ने मोदी की तारीफ की तो उसका इस्तीफा हो गया और फिर वो सांसद बना, फिर मंत्री बना। तो इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे जानने का इंतजार रहेगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।